जगदलपुर पुलिस की मेहनत रंग लाई है। बस्तर पुलिस ने शहर में कारों के कांच फोड़ने वाले शख्स को ढूंढ निकाला है। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस ने शहर के कारों के कांच फोड़ने वाले शख्स को ढूंढ निकाला। नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने बताया कि पिछले दिनों चार पहिया वाहनों के कांच फोड़े जाने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी MN साहू के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। मामले में आरोपी उमाशंकर गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से लोहे की राड सहित तलवार बरामद की गई है। बेसिकली मामला जगदलपुर शहर का है, जहां 19 और 20 अक्टूबर की दरमियानी रात शहर के अलग अलग स्थानों में जो है चार पहिया वाहनों के शीशे फोड़ने संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। और इस रिपोर्ट के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था थाना प्रभारी कोतवाली हेमंत साहू के नेतृत्व में। और इस टीम के द्वारा घटना के 12 घंटे के भीतर जो है इसमें आरोपी की शिनाख्ती कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।